117 एमएलए ने जो पंजाब दे विच उहदे बाद च जो 13 एमपी ने जो अपनियां खुड्डां दे विच वड़े हुए ने उहदे बाद च कोई किसानां दे नाल कोई एमएलए कोई मंत्री कोई एमपी नहीं बैठा उहनां दे नाल। सो बड़ी शर्मनाक गल है। ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਜੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆੜ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ जे इमोशनल नहीं होंगे तो पैसे दे नाल तुहानू ऑफर करते ने। सत श्री अकाल सारे नू मैं तुहाडा अपना वरिंदर सिंह तुसी देख रहे हो अमेजिंग टीवी। सो अज मेरा मकसद है वीडियो पाउन दा। सो मैं गलबात करदा हैगा जो 117 एमएलए ने जो पंजाब दे विच उहदे बाद च जो 13 एमपी ने जो अपनियां खुड्डां दे विच वड़े हुए ने कुछ एमएलए जो अपने सड़कां दे उतरे ने जिदा कुछ चंद के हैगे ने जो किसानां दे नाल बैठे ने उहदे बाद च कोई किसानां दे नाल कोई एमएलए कोई मंत्री कोई एमपी नहीं बैठा उहनां दे नाल। सो बड़ी शर्मनाक गल है उहनां वास्ते उहनां एमएलए वास्ते 117 एमएलए पूरे पंजाब दे विच ने ते 13 एमपी ने। सो उहदे बाद च पुआड़े दी जड़ जो हरसिमरत कौर बादल जिन्हें यह काम स्टार्ट किया जिन्हें यह फूड मिनिस्टर रह चुकी है एमपी रह चुकी है दिल्ली दे विच जो मोदी दे नाल काम कर चुकी है इनू एदियां सारियां रणनीतियां दा सारा कुछ पता सी हरसिमरत कौर बादल ने। सो इनू सड़कां ते आना चाहिए और रोडां ते आना चाहिए लेकिन अपने झंडे थले नहीं एक किसानां दे झंडे थले बैठन सारे एमपी एमएलए आन के 117 एमएलए सिर्फ ये वोटां लैने जांदे ने सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते ने हर 5 साल बाद आते ने आड़ के 5 साल बाद आन के ताड़े अगे हाथ जोड़ते ने और तुहानू कोई इमोशनल ब्लैकमेल करता जे इमोशनल नहीं होंगे तो पैसे दे नाल तुहानू ऑफर करते ने शराबा वंडिया जांदियां पैसे वंडे जाते ने। सो वह 117 एमएलए 13 एमपी कित्थे ने पंजाब दे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਸਿਰਫ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਕੂਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੇਕੂਬ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ